से रूपा जी, बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो देख रहे हैं ग्वार गम का दिसंबर वायदा 12,268 पर कारोबार कर रहा है। एक बार फिर से ग्वार में एक निचले स्तर पर खरीदारी निकली है। और बात की जाए अगर ग्वार सीड की दिसंबर वायदे की, तो 6536 पर कारोबार कर रहा है, 3% की तेजी ग्वार सीड में, और ग्वार गम के दिसंबर वायदे में 4% की तेजी। रूपा जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ग्वार गम और ग्वार सीड में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती है, फिर निचले स्तरों से एक खरीदारी निकलती है, तो क्या ये गिरावट और तेजी जस्टिफाइड है? क्या फंडामेंटल्स वाकई में इतने मजबूत हैं? क्या ग्वार गम और ग्वार सीड की मार्केट्स में इतनी डिमांड है कि ग्वार गम और ग्वार सीड को तेजी की ओर लेके जाएं? देखिए, जहाँ तक ग्वार गम और ग्वार सीड की बात है अखिलेश, इसके फंडामेंटल इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है कि ग्वार और गम और ग्वार सीड के अंदर इतनी तेजी आती हुई दिखाई दे। लेकिन जो बनाया जा रहा है सिनेरियो, जो मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं, ये उठा पटक के बाद वापस से खरीदारी देखने को मिलती है, क्योंकि सभी जो जहां तक मंडियों में मेरी बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं अब वो काफी एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। ग्वार के अंदर जो पहले तेलों के अंदर खरीदारी करते दिखाई दिए थे, अब ग्वार के अंदर खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से उठती हुई नजर आ रही है। और जिनके पास ग्वार रखा हुआ था वो इस लेवल पर बेचने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइसेस अभी और ऊपर जाएंगे, क्योंकि काफी समय के बाद ग्वार के अंदर रैली आई है। तो अभी ये कंटिन्यूशन में बढ़ सकती हैं और कीमतें जो है, मुझे लगता है कि आज जो 4-4% की गिरावट तेजी देखने को मिल रही है कल की गिरावट के बाद, ये इसी तरीके का माहौल रहेगा। मैंने पहले भी यही बोला था कि जो गिरावट आती है आप उसमें बाइंग करके चलें, क्योंकि ग्वार में अब तेजी बनना तय है। जिस तरीके का मार्केट में सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है, ट्रेडर्स एक्टिव है, बाइंग लगातार देखने को मिल रही है, वायदा के अंदर भी वॉल्यूम्स अच्छे खासे आ रहे हैं, तो 10,000 के ऊपर जब तक ग्वार सस्टेन है तब तक तेजी का रुझान बना रह सकता है, तो इसमें गिरावट की उम्मीद नहीं है। और सीड भी 6,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इसको 6800 से 7,000 तक ले जा सकती है। गम भी 13,000 से लेकर 15,000 का स्तर छूती हुई नजर आ सकती है। जी रूपा जी, जिस हिसाब से वायदा में निचले स्तर पर खरीदारी निकलती है, तो क्या इसका एक रिफ्लेक्शन, क्या इसका कुछ असर हाजिर बाजार पर भी पड़ता नजर आ सकता है? क्या हाजिर में किसानों को कुछ कीमतें अच्छी मिलती नजर आ पाएंगी? देखिए बिल्कुल, अगर जिस तरीके से तेजी बन रही है तो फार्मर्स को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब वो उस रेट पर माल निकालेंगे। क्योंकि क्या टेंडेंसी क्या होती है कि जब प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं तो लोग इस लेवल पर माल एग्जिट नहीं करते, बल्कि और बाइंग करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट बाइंग के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो और बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो है प्राइसेस जो है वो तेजी की तरफ है, और जब ऊपर जाता है मार्केट तो उसमें कुछ कुछ माल लिक्विडेट करना चाहिए ताकि कीमत प्रॉफिट बुक करते रहें आप। अगर इस वेट में बैठे रहेंगे कि 15,000 के बाद 18,000-20,000 आएगा, तो हो सकता है वो लेवल टच करते ही मार्केट वापस से क्रैश हो जाए और आपको वो लेवल्स ही ना मिले ताकि आप उस पर अपना माल निकाल पाएं और फिर आप कहें कि हमें प्रॉफिट नहीं मिला। तो इसीलिए देखिए, ट्रेंड है, पॉजिटिव है, नो डाउट, लेकिन माल को धीरे धीरे लिक्विड करके प्रॉफिट कमाना भी सीखें, इसमें प्रॉफिट कमाएं, और जब फिर नीचे आए तो फिर बाइंग करके आप चल सकते हैं वायदे के अंदर, या फिर हाजिर के अंदर भी आपके पास रखा है तो कुछ एक 10-20% माल आपको लिक्विडेट करते रहना चाहिए। जो भी ऊपरी स्तर आते हैं, जब नियर रिकॉर्ड टच हो तब आपको थोड़ा बहुत माल लिक्विडेट करना चाहिए। और अभी ग्वार गम की भी यही सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि अब ये इस गिरावट के बाद हो सकता है नया रिकॉर्ड टच करे, फिर उसके बाद जो है फिर करेक्शन आए, उसके बाद फिर से तेजी बने। तो अभी फिलहाल के लिए 13,000 तक का स्तर हम देख रहे हैं कि एक बार मार्केट दिखला सकती है। जी,